हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी इलेक्ट्रिशियन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो 8th पार्ट है, उसमें हम देखते हैं समीपता प्रभाव। समीपता प्रभाव क्या होता है? एसी की वह विशेषता जिसके कारण एक चालक में होने वाला विद्युत धारा प्रवाह दूसरे चालक में होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह को प्रभावित करता है, उसे समीपता प्रभाव कहते हैं। यानी समीपता प्रभाव क्या हो गया कि एसी की वह विशेषता जिसके कारण एक चालक के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दूसरे चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा, इसे समीपता प्रभाव कहते हैं। डीसी में किसी भी प्रकार का समीपता का प्रभाव नहीं होता है। समीपता का प्रभाव एवं सतह का जो प्रभाव होता है, वह दोनों ही एसी विद्युत धारा प्रवाह के लिए चालक के प्रभावी प्रतिरोध की मान को बढ़ा देते हैं। सतह और समीपता प्रभाव पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके मान को कम रखने के लिए दो चालक तारों को एक दूसरे से अधिक दूरी के ऊपर स्थापित किया जाता है। अगली है बस बार प्रणाली। अब देखो, बस बार प्रणाली सिस्टम या बस बार सिस्टम क्या होता है कि जो भी विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं या अपने जो कार्यशाला के अंदर जो मशीनें होती है, उन मशीनों को जो आसपास में एक दूसरे के पास पास में रखी होती है, उनको विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए एक बस बार वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं कि बस बार प्रणाली क्या होती है। इसकी डेफिनेशन देखो, विद्युत उत्पादन केंद्रों और सब स्टेशन में विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बस बार का प्रयोग किया जाता है। या क्या होता है, किसी भी कार्यशाला में जहां पे बहुत सी मशीनें होती है, वो आस पास पास में स्थापित होती है, उनको विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए बस बार वायरिंग की जाती है। और यह जो बस बार वायरिंग होती है, वह अन्य प्रकार की वायरिंग करते हैं उसकी तुलना में अधिक सुरक्षित और उपयोगी होती है। अब बस बार जो प्रणाली होती है, उसको किस प्रकार से अपन स्थापित करते हैं, इस पे सबसे पहला पॉइंट है, इसमें उच्च चालकता वाले तांबे या एल्यूमिनियम के आयताकार कटा क्षेत्र वाले पत्ती के आकार वाले चालक प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो चालक होते हैं, अचालक आधारों पर पूर्णतया बंद आयताकार लोहे की सीट में ले जाए जाते हैं। सामान्यतः ये जो चालक होते हैं, वह 200 एम्पियर्स तथा 400 एम्पियर्स तक की विद्युत धारा वहन क्षमता के बनाए जाते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है, वह 3.65 मीटर्स तथा 2.44 मीटर्स होती है। इन बॉक्सों को या तो छत से लटका दिया जाता है या दीवार पर ब्रैकेट लगा करके स्थापित किया जाता है। उपरोक्त मानक क्षमताओं के अतिरिक्त 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 400 एम्पियर, 600, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 और 3600 एम्पियर क्षमता तक के 500 वोल्ट तक के लिए बस बार बनाए जाते हैं। अब बस बार के क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी स्थापना में जो मूल्य होता है वह कम होता है, इसमें अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, यह जो प्रणाली होती है वह पूर्णतया सुरक्षित होती है। इस लाइन में वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, वह बहुत नगण्य या कम होता है। कार्यशालाओं की आवश्यकता अनुसार इस लाइन को क्या होता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है या इसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके द्वारा बहुमंजिले भवन की प्रत्येक मंजिल को सुविधाजनक एवं विद्युत संयोजन सुरक्षित प्रदान किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया बस बार सिस्टम कैसे कार्य करता है और उसको किस प्रकार से अपन स्थापित करते हैं और इनसे क्या क्या लाभ होते हैं। अगला है कोरोना। ये देखो, कोरोना इधर भी आपके आ गया है, वो तो कोरोना वायरस है। और ये कोरोना क्या होता है, ये जो उच्च वोल्टेज की जो एसी की लाइनें होती है, उसमें चालक के जो तार होते हैं उसके चारों तरफ आपको एक बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देता है, इसे अपन कोरोना बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, उच्च वोल्टेज वाली एसी विद्युत पारेषण लाइन में चालक तारों के चारों ओर एक बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, जो क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। इसके अंतर्गत ट्रांसमिशन यानी पारेषण लाइन में निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। नंबर फर्स्ट, चालक तार की पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की एक धुंधली चमक उत्पन्न हो जाती है। चालक तारों तथा खंभे हो चाहे टॉवर्स हो, उसके निकट
एक हिसिंग की ध्वनि आपको सुनाई देती है और इससे क्या होती है, ओजोन गैस होती है वह उत्पन्न होती है और विद्युत शक्ति का अनावश्यक अपव्यय होता है। तो ये हो गया कोरोना, और कोरोना के कारण कौन कौन से आपके प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब कोरोना उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं, नंबर फर्स्ट पराबैंगनी विकिरणें, नंबर सेकंड अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणों का जो प्रहार होता है उसके कारण, और रेडियो एक्टिविटी। उच्च वोल्टेज वाली डीसी पारेषण लाइन में जो पॉजिटिव तार होता है उसके चारों ओर एक समान चमक, और जो नेगेटिव तार होगा उसके चारों ओर असमान चमक हो तो पाई जाती है, परंतु यह जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, नगण्य रहता है। अब कोरोना उत्पत्ति के कौन कौन से कारक होते हैं, वायुमंडल में विद्युत पारेषण लाइन के चारों ओर कोरोना की उत्पत्ति एवं उसकी मात्रा निम्नलिखित कारकों के ऊपर निर्भर करती है। कोरोना की उत्पत्ति के कौन कौन से जो कारक होते हैं उसको अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला है वायुमंडल की भौतिक अवस्था। शांत वायुमंडल की तुलना में जब आंधी तूफान युक्त मौसम होता है उस समय क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अत्यधिक विद्यमान होता है, फलस्वरूप वोल्टेज, फलस्वरूप क्या होगा, जो निम्न वोल्टेज होगा उस पर ही आपको कोरोना उत्पन्न हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है चालक की सतह की अवस्था। सपाट व चिकनी यानी यूनिफॉर्म और जो स्मूथ सतह होती है उस सतह वाले चालकों की तुलना में जो खुरदरी सतह होती है उस चालकों के बीच में सुगमता से कोरोना उत्पन्न हो जाता है। तो आपको कोरोना उत्पत्ति के कौन कौन से कारक होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपको MCQs के अंदर इन पॉइंट को पूछे। अगला तीसरा पॉइंट है इसके चालकों के बीच की दूरी। विद्युत पारेषण लाइन के चालक तारों को यदि एक दूसरे से पर्याप्त दूरी के ऊपर स्थापित किया जाता है तो कोरोना उत्पन्न होने की जो संभावना होती है वह शून्य या कम हो जाती है। अगला लास्ट पॉइंट है इसका लाइन वोल्टेज का मान। पारेषण लाइन के वोल्टेज का मान 30 किलो वोल्ट से कम है और चालकों की स्थापना उचित दूरी पर हो तो कोरोना उत्पन्न नहीं होता है। अब कोरोना प्रभाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, 33 किलो वोल्ट या इससे अधिक वोल्टेज पर जो कार्य करने वाली विद्युत पारेषण लाइन होती है एवं जो बस बार होते हैं उसमें निम्नलिखित उपाय होते हैं उसके द्वारा कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पहला पॉइंट है अधिक व्यास वाले चालकों का उपयोग करके। दूसरा पॉइंट है इसमें चालकों को पर्याप्त दूरी के ऊपर स्थापित करने से जो कोरोना का जो प्रभाव होता है वह बहुत कम किया जा सकता है, परंतु पारेषण लाइन की स्थापना की लागत के परिप्रेक्ष्य में चालकों को अधिक दूरी पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो आज की जो मैंने क्लास है आपको मैंने संयुक्ता का प्रभाव क्या होता है, कोरोना क्या होता है उसके बारे में आपको बताया है। तो इस वीडियो को आप ढंग से देखें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।